नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से कुशीनगर जनपद के विकासखंड कुबेरस्थान की ग्राम प्रधान गायत्री देवी को लखनऊ में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे प्रदेश से केवल 100 ग्राम प्रधानों को ग्राम सभा के कार्यों को देखते हुए चयनित किया गया था, जिसमें कुशीनगर जनपद से केवल एक ही ग्राम का चयन हुआ था। जनपद से ग्राम प्रधान के सम्मानित होने को लेकर पूरे जनपदवासियों के चेहरे पर खुशियों की लहर दिखाई दी। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद के ग्राम पिपरा जाटमपुर में शिक्षा व स्वच्छता को लेकर काफी बेहतर प्रदर्शन किया गया है। गांव में 300 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। पंचायत समिति के पास महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय बनवाया गया है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से निःशुल्क है। गाँव में स्वच्छ पेयजल नाली व खड़ंजा ग्राम सभा द्वारा बनवाया गया है। गायत्री देवी अभी हाल ही में उपचुनाव में ग्राम प्रधान निर्वाचित की गई हैं। कम समय में ग्राम सभा में विकास के काफी कार्य कराए जाने को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। मौके पर मौजूद प्रधान प्रतिनिधि व युवा समाज सेवी संतोष तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरी माँ के ग्राम प्रधान बनने के बाद ग्राम सभा में काफी काम कराया गया है। आज मुझे खुशी है कि मेरा ग्राम सभा प्रदेश स्तर पर सम्मानित हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि ग्राम सभा केंद्र स्तर पर भी सम्मानित हो और इस जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में नाम रोशन करेगा। तो उसी के कड़ी में यह हमारा पहला कदम है, क्योंकि हम लोगों ने स्वच्छता पर और महिलाओं को जागरूक करने के लिए गांव के विकास से संबंधित काफ़ी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। तो उससे प्रभावित होकर के हमारे युवा जिलाधिकारी हैं, युवा DBRO हैं, तो उनसे मैं प्रेरणा लेते हुए और अपने गांव में काफ़ी प्रयोग हमने किए हैं, जिससे इसका मूल्यांकन करते हुए शासन स्तर पर रामपुर को वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। यह ग्राम पंचायत रामपुर की नहीं, अभी पूरे जनपद के लिए ये गर्व की बात है कि यह सम्मान रामपुर की महिला ग्राम प्रधान मेरी माता जी को, गायत्री देवी जी को मिला है। मैं निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर 100% खरा उतरने का प्रयास हम करेंगे और अभी तो ये पहली कड़ी है। आगे जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा काम है, हमें देश स्तर पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें पूरा सम्मान मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है अपने कार्यों के बदौलत। और निश्चित रूप से हम काम करके दिखाएंगे रामपुर में कि एक मॉडल गांव के रूप में रामपुर पूरे भारत में जाना जाए। आप यहाँ के जनता को क्या शुभकामना देंगे? देखिए, जनता का को यही संदेश है कि भारत सरकार हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है साफ सफाई। साफ सफाई पर हमारा फोकस है और मैं गांव के लोगों से अपील करूंगा, खुले में शौच न जाएं, शौचालय का प्रयोग करें। मेरे यहां अभी इस समय तक लगभग 350 शौचालय बन चुके हैं। अभी हमारा टारगेट जो है कम से कम 2000 शौचालय, घर घर मुझे शौचालय बनाना है। तो इस पर अब मैं काम लगातार मेरा काम चल रहा है। अभी काम कुछ दिन ब्रेक था, लेकिन फिर काम मेरा शुरू हो जाएगा कल परसों में। तो विद इन 2 ईयर मुझे इस गाँव को हर घर में शौचालय बना करके शौच मुक्त कर देना है पूरे गांव को।